आज का व्लॉग कुछ हटके होने वाला है, क्योंकि इस व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं पटना म्यूजियम, और म्यूजियम में बहुत कुछ है दिखाने को जो आप इस वीडियो में देख के एंजॉय करेंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का व्लॉग पटना म्यूजियम। आज के व्लॉग में आपको ले जा रहे हैं पटना म्यूजियम, जो कि सबसे पुराना म्यूजियम है बिहार का। चलिए आपको लेके चलते हैं। तो दोस्तों, पटना म्यूजियम आने के लिए आप लोग को तारा मंडल के सामने आना होगा, और आपको जस्ट सामने ही रोड में ये एंट्री मिलेगा। और अगर आपको नहीं पता है तो ये पटना म्यूजियम जादूगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। टिकट ले, यहाँ से लोग टिकट ले सकते हैं, जनरल 15 का है। और आपको मोबाइल से अगर वीडियोग्राफी करना है, फिर फोटोग्राफी करना है, तो 20 रुपीज़ का लगेगा। यहाँ टिकट काउंटर है, यहाँ से हम लोग ले लेते हैं अपना टिकट। हम लोग यहाँ से ले चुके हैं, अब हम लोग अंदर की ओर चल रहे हैं। वो रहा हमारे सामने म्यूजियम। ये आपको दिख रहा होगा, ये जो ब्लू कलर का बोर्ड है, ये एक अंडरग्राउंड बन रहा है, जो बिहार म्यूजियम जो नया बना है, और ये पुराना सबसे पटना का म्यूजियम है। ये दोनों कनेक्ट हो जाएगा अंडरग्राउंड में, तो वहाँ से आके इधर भी आ सकते हैं अंडरग्राउंड से लोग। सबसे पुराना म्यूजियम है ये पटना का और बिहार का भी। ये ब्रिटिश लुक आपको पूरा दिख रहा होगा, ये जिस तरह से इसका आर्किटेक्चर किया हुआ है, और बहुत ही ये सही दिख रहा है। ये शायद कोई किंग हो गए यहाँ के, इसके बारे में आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। वायसराय ऑफ इंडिया ये दिखेगा आपको, जो किसी भगवान का ही है, देख सकते हैं आप इसके। चलिए चलते म्यूजियम के अंदर, इसका एंट्रेंस शायद आगे से होगा। हम लोग को अपना सामान यहाँ पे रखना पड़ेगा क्लॉक रूम में, क्योंकि अंदर कुछ अलाउड नहीं है, बस फ़ोन वगैरह पर्स वगैरह आप ले आ सकते हैं। क्लॉक रूम में सामान रखने के बाद अब चल रहे हैं हम लोग, एंट्री ले रहे हैं अंदर की ओर। चलिए चलते हैं। एंट्रेंस पे आपको ये दिखेगा पटना म्यूजियम, जो कि 1928 में बना था। और अंदर आने के साथ ही दिखेगा आपको ये ऊपर में, जो कि चेस बोर्ड जैसा बना हुआ है, या फिर वो रिंग में सा। और म्यूजियम के वॉल पे बिहार के जो भी फेमस फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं, उन सब के पिक्चर्स लगे हुए हैं। तो चलिए अब यहाँ से फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं, नेचुरल हिस्ट्री गैलरी। तो अंदर जाने पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे बटरफ्लाइज, जो कि आप देख सकते हैं हमारे सामने। पूरे इंडिया में जितने वैरायटी के बटरफ्लाइज पाए जाते हैं, उन सब के स्पेसिमेन यहाँ पे है। तो बटरफ्लाइज को देखने के बाद अब हम लोग जाते हैं एंशिएंट पीरियड में, जो कि ये डायनासोर्स, जितने भी डायनासोर्स पाए जाते थे, उन सब के यहाँ स्मॉल स्कल्पचर्स बनाए गए। यहाँ पे बहुत सारे डायनासोर के स्कल्पचर्स थे, जिनको आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन अगर आपने जुरासिक पार्क देखा होगा तो आप अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। चलिए आपको दिखाते हैं बाघनी, यानी टाइगर, जंगल की रानी। जंगल की रानी तो आप सुने ही होंगे, जंगल की रानी भी। इसका आप देख सकते हैं पूरा ओरिजिनल टेक्सचर है, एकदम लगेगा कि ये असली ही। आप जब आएंगे यहाँ पे देखेंगे तो इसके आँख को देखिए, इसके टेक्सचर को देखिए, बॉडी का क्या लुक दिया हुआ है। चलिए आपको दिखाते हैं आगे। पॉर्क्यूपाइन के आपको दिखेंगे अलग अलग टाइप के, देख सकते हैं यहाँ पे। ये ब्रज के लिए एंड खाते हैं। आप डिस्कवरी में देखे होंगे, बचपन जब देखे होंगे तो डिस्कवरी में ये रहता है। चलिए ये तो नेमा है, ये आप जानते हैं मंगूस। बाकी ये सब देख सकते हैं आप, इसके नेम वगैरह पढ़ सकते हैं, और बाकी जानना है तो गूगल कर सकते हैं। जंगल बुक तो देखे होंगे, जंगल बुक में ब्लैक कलर का पैंथर होता है, ब्लैक तेंदुआ, लेकिन यहाँ पर मैन तेंदुआ जो यहाँ पाया जाता है। इसके दांतों को देख सकते हैं, इसके आँख को देख सकते हैं, ये बिल्कुल ओरिजिनल ही लगेगा। जब आप यहाँ विजिट करेंगे, पटना म्यूजियम आएंगे तो देखेंगे, इसको फील कर पाएंगे कैसे भी दिखना है। वीडियो में उतना पता नहीं लगेगा। चलिए आगे चलते हैं।
सारे बर्ड्स के साथ हो जाते हैं, जितने पशु पक्षी के देख सकते हैं यहाँ लगे हुए। ये जो हमारे सामने है वो है बहुत ही सारे वैरायटी के डक्स, जो कि इंडिया और शायद वर्ल्ड में भी पाए जाते हैं। हर अलग तरह के इनके डिज़ाइन है, डिज़ाइन या बॉडी स्ट्रक्चर है जो आप देख सकते हैं। यह तोता पैरेट के यहाँ पे सारे प्रजाति है। अगर आप बर्ड लवर हो तो आपको यहाँ आने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ हद से ज़्यादा है कलेक्शन सारे बर्ड्स के, जो आप यहाँ आके स्टडी भी कर सकते हैं इनके बारे में और देख भी सकते हैं। ग्लास के अंदर स्वान, और ये कोई शायद एंशियंट पीरियड का बर्ड है, बहुत ही बड़ा आप देख सकते हैं, बहुत ही पुराना दिख रहा है। और साथ में यहाँ बहुत सारे अंडे भी रखे हुए हैं। ये रहा देखिए कलेक्शन, जो छोटे से बड़े सारे लगता है बर्ड्स के यहाँ पे रखे गए, जो प्रिजर्व किए गए बहुत अच्छे तरीके से। बर्ड्स जैसे ये है किंग क्रो, उसके बाद हमें दिखेंगे ट्री पाई, उसके बाद कॉमन मैना, और हमारे माही भाई कानन, ये बर्ड कुछ ज़्यादा ही फेमस है। यहाँ पे आपको ये जंगली भैंस देखने को मिलेगा ऊपर टंगा हुआ, देख सकते हैं आप। आपको हिरन देखना है, लेकिन यहाँ हिरन नहीं है, यहाँ चीतल है, देख सकते हैं आपको लगे कि ये हिरन ही की तरह चीतल है, चीतल है। ये हिरन का बच्चा है, पता नहीं क्या है, वैसे चीतल बोलते हैं। अब आगे क्यों चलते हैं, स्क्वायरल तो आपको सुना ही होगा, आपके घर के पास आते ही है। ये स्क्वायरल के सारे प्रजाति है, देख सकते हैं गिलहरी के, ये देख सकते हैं कॉमन स्क्वायरल, जो भी टाइप के आप देख सकते हैं आप। इसके ऊपर ये देखिए कितना बड़ा चमकागर बैग। अब आगे देखिए, यहाँ पे आपको बहुत सारे चूहे भी देखने मिलेंगे हर टाइप के, और जिनको चूहे से डर लगता है वो दूर ही रहेगी। आपने जंगल की रानी से तो मिल लिया, और अब जंगल की रानी से मिलवाते हैं ये टाइगर, देख सकते हैं आप इसके कितने कटीले दांत हैं, इसके लुक देखिए, इसीलिए इसे जंगल का राजा कहा जाता है। अब चलते हैं आगे की, इसको इतने बड़े ग्लास में रखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा सामने, चलते हैं भाई साइड से दिखाते हैं आपको कितना बड़ा साइज है इसका। इसको म्यूजियम में लाना ही बहुत बड़ा बात है, आप देख सकते इतना बड़ा साइज, आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि पहले घड़ियाल कितने बड़े हुआ करते थे। बाकी आप गूगल में सर्च करके इसके बारे में और भी जान सकते हैं। ऊपर देख सकते हैं बहुत सारे पक्षी के हैं यहाँ पे, ये देखिए बंदर नहीं, ये तो हनुमान है। और ये रहा सबसे डेंजरस क्रोकोडाइल, जिसे घड़ियाल भी कहते हैं। और इसके जस्ट सामने इस ग्लास में रखा गया था ये डक, और ये कुछ अलग ही वैरायटी के कुछ थे, पता नहीं समझ नहीं आ रहा था ये क्या है, पर अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि क्या है तो कमेंट ज़रूर करें। ये टीरेक्स का छोटा रूप, और ये है राइनोसोरस का सिंह, जो आप देख सकते हैं ओरिजिनल। तो इन सब को देखने के बाद अब हम लोग चलते हैं आगे भालू से मिलने। ये है स्लॉथ बियर भालू, जो कि बहुत प्यारा दिखता है पर प्यारा है नहीं। तो भालू से मिलने के बाद अब हम लोग देखते हैं अपने जो डेली लाइफ में हम लोग खाते हैं, जैसे कि ये फल और सब्जियां, जो कि यह मिट्टी के बने हुए हैं, और ये कारीगर द्वारा बनाए गए बंगाल के और कृष्णानगर के। आपको दिखाते हैं जंगली भैंसा, आइए, इसे इंग्लिश में बाइसन भी कहते हैं। इतना बड़ा साइज है, इतना बड़ा साइज है कि आपको फट जाएगा देख के क्या है ये। इसके साइज को देखिए, इतना से कुछ ज़्यादा ही ऊंचा है। खाने के बाद अब चलते गैलरी ऑफ मिनरल्स का सुनिए।
ग्लास के अंदर सारे रखे हुए स्पेसिमेंट्स जो भी मेंडल है वो पाए जाते हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में। ये देखिए यहाँ से आपके बारे में जितने भी दिए हुए उसके नेम दिए हुए मिंडल वुड्स, ये कहाँ पाए जाते हैं उसके बारे में लिखा गया है। ये आपके सामने देख सकते हैं क्रिस्टल मॉडल ऑफ मिनरल, जितने भी टाइप का क्रिस्टल है जिस साइज शेप के यहाँ पे आपको देख सकते हैं। ये रहा हमारे सामने पत्थर में परिवर्तित वृक्ष जो कि आसनसोल में 1927 में पाया गया था। ये पेड़ लगभग 20 करोड़ साल पुराना है और ये पेड़ अभी पत्थर की तरह सख्त बन चुका है जिसे आप टच करके देख सकते हैं। हमारा आज का ब्लॉग पार्ट वन अपना म्यूजियम नेचुरल हिस्ट्री का है। अगर ये पार्ट आपको पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए राधे राधे।